अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फयाज। आप देख रहे हैं हकीम मोहम्मद फयाज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे हजरात के लिए जिनको शहवत का मसला है, मर्दाना कमजोरी का मसला है, उनके लिए एक बेहतरीन हर्बल टिप बताऊंगा जो शहवत को बढ़ाएगा, अज़ुखास में सख्ती लेके आएगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा, मर्दाना कुवत में इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए बेहतरीन हर्बल टिप मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले वीडियो की जानब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आते हैं टॉपिक की जानब। मर्दाना ताकत के हवाले से हमारा ये टॉपिक है कि जिनको शहवत नहीं आती है, ज़ुखास में ढीला पड़ना है या कतरे निकलते हैं और फौरन होशियारी टूट जाती है, शहवत कम हो जाती है, तो उनके लिए एक बेहतरीन ये नुस्खा है, इसको बना के इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। मोसली सफ़ैद 120 ग्राम, सालब 50-60 ग्राम, सालम मिसरी 60 ग्राम, तुखम रियान 60 ग्राम। ये तमाम चीज़ें किसी भी हर्बल स्टोर से, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं। आप इसको ले सकते हैं, साफ की हुई हो और एक नंबर हो तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पंसार से लेंगे वो साफ नहीं होती, उस पर मट्टी कचरा वगैरह होता है, तो उसको साफ कर लें, बरीक छानी लगा लें, बेहतरीन हो आपके पास आ जाएगी। तो फिर इसका सफूफ बनाए, इसको ग्राइंड करें, ग्राइंड करके सूप बना के तमाम को मिक्स कर लें और किसी शीशे के जार में इसको महफूज कर लें। तरकीबें इस्तेमाल भी नोट फरमा लें कि 2 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून है सुबह खाली एक गिलास दूध के साथ और 2 बड़े चम्मच रात को सोते वक्त एक गिलास दूध के साथ लें। इससे इंशाल्लाह मादा तलीद बेहद पैदा होगा, शहवत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, नफ्स में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी। जिन हजरात को अमबिस्तरी में लज्जत नहीं आती, जो कहते हैं जी हम अपनी बीवी के साथ अमबिस्तरी करते हैं तो हमें लज्जत नहीं आती, तो इंशाल्लाह उन हजरात को अमबिस्तरी में लज्जत भी आएगी और मर्दाना कुव्वत भी बढ़ेगी और टाइमिंग में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। ये एक बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और जो हजरात जिनको ज़कात का मसला है, सत्ते अंजाल का मसला है, वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और जो लोग बलगमी मिजाज हैं, जिनकी बलगम ज़्यादा बनती है, ज़्यादा मोटापा है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनमें ज़्यादा खुश्की है, नींद कम आती है, खुश्की है, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, मादा तलीद कम बनता है, उसकी मकदार कम बनती है, उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है। तो जिन हजरात को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर करें और जिनको किसी भी तिबी मशवरा के लिए कोई भी हेल्पलाइन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, वो मेरी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं 0300-2569-555। कमेंट्स में भी आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा और बेहतर रहनुमाई की जाएगी। मर्दाना ताकत के हवाले से हमारे बेहतरीन कोर्सेज हैं, रॉयल एक्स कोर्स हमारा बेहतरीन कोर्स है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेऔलादी, शुगर, मोटापे का, मर्दाना स्पर्म की कमी का, हेपेटाइटिस ABC का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है मुशवाबल क्लिनिक पर। आप अपनी रिपोर्ट्स के हमला तशरीफ़ ला सकते हैं या आप बजरिया TCS डिलीवरी मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।